नमस्कार, आप देख रहे दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। दिलचस्प होती जा रही है यूपी की सियासत, क्या नए दलों की एंट्री से मचेगी हलचल। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मुख्य रूप से बीजेपी सपा बसपा की जंग में ही होती रही है। कुछ जगहों पर कुछ छोटे दलों का प्रभाव भी देखा जा रहा है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब पहुँच रहे हैं, वैसे वैसे सियासत दिलचस्प होती जा रही है। किसी के सामने सत्ता को पाने का जतन है, किसी के सामने सत्ता बचाने का जतन है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जंग सूबे में जमीन बनाने को लेकर राज्य की बात में इसी नई जमीन को तैयार करने की जतन है। और जिसमें ऐसे लोग कुछ लोग भी की एंट्री हो रही है, जिसमें यूपी चुनाव के स्मरीकरणों में भी अच्छी खासी हलचल होगी। हालांकि राज्य की बात करें तो 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव बेहद अलग होगा। राज्य की बात यह है कि 2022 में यूपी में त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बड़े बड़े दिग्गजों की प्लानिंग यूपी में उतरने की चल रही है। मतलब ये है कि बीजेपी के लिहाज से अगले साल होने वाले चुनाव ही काफी चुनौतीपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। पंचायत चुनाव से आगाज हो भी चुका है, लेकिन आज की बात यह है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी राष्ट्र मंच की यूपी के सियासी मैदान में उतरने का मन बना चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में शरद पवार ममता बनर्जी भी अपनी ताल ठोक सकते हैं। और राज की बात यह है कि जब ये दोनों आएंगे प्रशांत किशोर की भी एंट्री होगी। मतलब ये हो कि राजनीति की ये तिगड़ी बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए बड़ी चुनौती और टेंशन खड़ी कर सकती है। रही बात ममता बनर्जी की, तो उनकी पार्टी एक बार एक सीट यूपी में हासिल कर चुकी है और प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड जा सकता है, वो भी सरकार उड़ती दल की चिंताओं की विदना की पर्याप्त है। राज की बात यह है कि बीजेपी संगठन भी मान रहा है कि वर्तमान दौर यूपी में बीजेपी की चुनौतीपूर्ण बन गया है। बीजेपी तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरणों को लेकर सजग है। और राज की बात यह है कि अलकामना में कुछ नेता इसे लेकर टेंशन भी है। राज की बात यह है कि जब यूपी के नेताओं की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होती है, तब ये माना जाता है कि राष्ट्र मंच का यूपी की जंग से उतरना चुनौती बढ़ाया लेगा। वहीं जब इन्हीं नेताओं की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ होती है, तो किसी भी चुनौती को मानने से इनकार कर देते हैं। शाह का मानना है कि यूपी में किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है। जब सवाल बंगाल के उठते हैं तो उनकी दलील होती है कि हारे हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा बढ़त बीजेपी को फूंक से मिले हैं। तो कुल मिलाकर यूपी को जीतने के लिए अलग अलग दलों मोर्चों गठबंधनों की किलेबंदी शुरू हो गई है। ऐसे में छिटके हुए को साधना और कमजोर क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनना बीजेपी के लिए बड़ा जतन है। पश्चिमी यूपी में पहले से ही किसान आंदोलन की वजह से पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ी है। अब राष्ट्र मंच की मोर्चाबंदी कुछ नई समस्याएं न पैदा करते। इस बार बीजेपी के राजनीति को मंथन जारी है। 2022 की चुनावी जंग में परिणाम कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि सांसद सियासी दलों की भी या चढ़ेंगी या वोट करने वाले वोटर्स की भी। वोट दे या किस मुद्दे पर वोट, ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।